हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले, वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डिफिनेशन ऑफ एटम। व्हाट इज वी विल सी द डिफिनेशन ऑफ एटम एंड हियर इज द टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एटम का डिफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज एन एटम, व्हाट इज एन एटम, एटम क्या होता है, मतलब परमाणु किसे कहते हैं। ओके, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, व्हाट इज एटम इज द, एटम इज द स्मॉलेस्ट, व्हाट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ, पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। ओके, सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है किसी भी सब्सटेंस का। एंड 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 व्हाट इज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस एंड व्हिच कैन एग्जिस्ट, एंड व्हिच कैन एग्जिस्ट एलोन और, एलोन और नॉट। मतलब किसी भी सब्सटेंस का ये क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है जो क्या करता है, एग्जिस्ट एलोन और नॉट, मतलब अकेला रहता भी है और अकेला नहीं भी रहता है। ओके, और सबसे नोट वाली बात आपको याद रखना है क्या चीज के, एटम्स जो होता है, एटम कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस। एटम जो होते हैं वो केमिकल पार्ट में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो लिख सकते हैं एटम कैन, एटम कैन टेक पार्ट, टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, अभी से हम हिंदी में देखें डेफिनेशन। नाउ हिंदी में डिफाइन कर लेते हैं परमाणु को। व्हाट इज परमाणु, मतलब एटम्स, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है। व्हाट इज रह भी सकता है और नहीं भी, इसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और नोट में याद रखेंगे कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग लेता है। ओके, नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम लोग मॉलिक्यूल के डेफिनेशन को देख लेते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अणु। मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, हिंदी में अणु बोलते हैं। तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसका डिफाइन। ओके, तो इट इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। व्हाट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट ऑलवेज इंडिपेंडेंट। जो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अणु क्या होता है, हमेशा और हमेशा क्या होता है, एग्जिस्ट ऑलवेज इंडिपेंडेंट, मतलब हमेशा ये क्या करता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ओके, तो नोट में इसको देख लेते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि एटम्स कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, तो लिख सकते हैं मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल कैन नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ओके, मतलब मॉलिक्यूल जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में, ओके, अणु जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग नहीं लेता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है कि दुनिया के कोई भी एटम्स है, सभी एटम्स क्या होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। मतलब सभी एटम्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, किसको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहेंगे, जिसको हम पेन के नाम से जानते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहते हैं। किसे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, ये आपका एटम्स है। ओके, किसी भी एलिमेंट्स का एटम है, सपोज मान लेते हैं किसका, सोडियम का क्या है, ये एटम है। तो इसमें जो ये अभी मैंने बताया कि एटम्स जो होता है वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पेन, पेन का मतलब हो जाएगा आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड न्यूट्रॉन। ये तीन क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इससे मिलकर फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। इसी से आपका क्या होता है, एटम्स का निर्माण होता है, स्ट्रक्चर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो कोई भी एटम्स ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है, मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। मतलब कोई भी एटम होता है वो कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स से बने होते हैं, तो तीन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये हमारा क्या है,
एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटम का स्ट्रक्चर है। सपोज ये मान लिया कि कैसा एटम से ये आपका सोडियम का क्या है एटम है, ओके स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखेंगे ये जो सोडियम होता है वो तीन चीज से मिलकर बना होता है, किससे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये तीनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर में मतलब एटम्स में कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं हम ये देखते हैं। तो सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि ये क्या है आपका न्यूक्लियस है, क्या है व्हाट इज ये न्यूक्लियस, ओके न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स, जिसका डिस्कवर किसने किया था, रदरफोर्ड, ओके किसने किया था, रदरफोर्ड, ओके। तो ये न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या होते हैं, दो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन, आपका एन और पी, कौन कौन होता है एन प्लस पी, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, तो एटम के कहाँ पे, न्यूक्लियस में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स रहते हैं, तो एन प्लस पी मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब बच गया आपका क्या, ये आपका हो गया, ये हो गया, बच गया ये इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये जो सेल है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं, न्यूक्लियस के जस्ट नजदीक वाला जो सेल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, के सेल, व्हाट इज के सेल, इसको कौन सा सेल, एल सेल, ओके सॉरी हिंदी में लिख दी, ओके एल सेल, उसके बाद ये हो जाएगा आपका एम सेल, ओके। तो ये जो सेल होता है ऑर्बिट भी इसको बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं, हिंदी में कक्ष बोलते हैं या पथ बोलते हैं, ओके। तो ये आपका क्या है, सेल है, इसी सेल में ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, इसी सेल में क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ओके। इस सेल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहे हैं। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में कितने होते हैं और थर्ड में कितने होते हैं, ओके। तो इसे स्टार्ट करने से पहले, इसे समझने से पहले हम सबसे पहले क्या समझ लेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, कि ये क्या होता है, इसकी डिस्कवर किसने किया और कब किया, ओके ओके फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया और कब किया। तो इसे हम क्या करते हैं, एक छोटी सी ट्रिक से याद रखने वाले हैं। वो ट्रिक हमारा क्या होगा, तो इधर देखेंगे, वो ट्रिक होगा हिंदी का क्या, इट पर नाच, किस पर नाच, इट पे नाच। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो पृथ्वी पे नाचते हैं या क्या करते हैं, किसी और चीज पे नाचते हैं, स्टेज पे नाचते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको याद रखना है इट पर नाच, किस पे नाचना है आपको, इट पर नाचना है, ओके। तो इट, इट का मतलब इससे क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन, हिंदी में क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन, ओके। जस्ट इसके नजदीक में क्या है, ट है, तो ट से आपका क्या हो जाएगा, किसने डिस्कवर किया इसका, तो ट से हो जाएगा टॉमसन, ओके टॉमसन, किसने डिस्कवर किया, टॉमसन, हिंदी में लिखते हैं टॉमसन और इंग्लिश में लिखते हैं क्या, जेजे थॉमसन, व्हाट इज जेजे थॉमसन, थॉमसन, ओके। तो इट मतलब इसे इलेक्ट्रॉन और दस से हो जाएगा टॉमसन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया, टॉमसन। सेकंड में आते हैं पर, ओके तो पर से आपका क्या हो जाएगा, प्रोटोन, व्हाट इज प्रोटोन, ओके। और प्रोटोन का डिस्कवर किसने किया, तो रस से क्या हो जाएगा आपका, रस से रदरफोर्ड, रस से क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड, मतलब प्रोटोन का डिस्कवर किसने किया, रदरफोर्ड। अब नेक्स्ट आते हैं न से हो जाएगा आपका क्या चीज, न्यूट्रॉन, व्हाट इज न्यूट्रॉन, ओके। और च से हो जाएगा क्या चीज, इसका डिस्कवर किसने किया, चैडविक, किसने किया, चैडविक, न से न्यूट्रॉन और न से सॉरी च से चैडविक, ओके। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इट पर नाच, आप लोग इसे याद रखेंगे, ओके। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कब किया गया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ था 1897 में, कब, 1897 में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ था, ओके। नाउ अब हम देख लेते हैं क्या, प्रोटॉन का फोर्स, तो प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया, रदरफोर्ड, और साथ में गोल्डस्टीन, तो गोल्डस्टीन, व्हाट इज गोल्डस्टीन, तो गोल्डस्टीन ने सबसे पहले प्रोटॉन को देखा था, कब देखा था, आपको ये चीज याद रखना है कि गोल्डस्टीन ने सबसे पहले क्या हुआ, प्रोटॉन को देखा था, कब देखा था, 1886, व्हाट इज, और हमने बताया कि रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने इसे कंप्लीटली डिस्कवर कब किया, तो याद रखना है आपको 1920, रदरफोर्ड ने क्या हुआ, रदरफोर्ड ने इसको कंप्लीटली डिस्कवर किया 1920, और क्या होता है, गोल्डस्टीन ने इसे सबसे पहले देखा था 1886 में, इसलिए संयुक्त रूप से इसके डिस्कवर्स दोनों माने जाते हैं, ओके। और चैडविक, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी कब, 1932, ओके। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन 1897, 1897,
और प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने देखा सबसे पहले कब, 1886, और रदरफोर्ड की बात आएगी तो 1920, 1920, और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, चैडविक, कब, 1932, 1932 ईस्वी में। तो एक छोटी सी ये ट्रिक है आपको याद रखना है, इट पर नाच, इसे इलेक्ट्रॉन हटा से टॉमसन, पर से प्रोटॉन, अर से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन और चर से चैडविक। ओके ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने बताया कि ये जो एटम्स बने होते हैं, तो एटम्स में फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेकंड में कितने रहते हैं, थर्ड में कितने रहते हैं। ओके, तो फिलहाल छोटी सी इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रख लेना है, 2n2। तो फर्स्ट सेल में कितने रहेंगे, 2, सेकंड में 8, उसके बाद 18। तो नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।